सरकार बीजेपी की मनना की है। पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमति लाग रही है। क्यों हुआ देखो टक्कर है जी बराबर की बराबर की अभी वहाँ टक्कर बहुत तेज है। रीटा जीत रही है बता रहे हमें तो कितना का वोटाऊं लमसम लमसम है 15-20 हजार से और सरकार है को केटेंगे सरकार बीजेपी बन रही है बीजेपी बन तो मोदी जी देख लो मोदी जी की गए बस अच्छा मतलब बीजेपी का भक्त थे और इस बार चुनाव को मैं इनके लगा कौन जीता 50,000 जीत की जागी रीटा चौधरी मंडा हूं। अच्छा दिन प्रतिदिन मतलब 10 हमारे हिसाब से नरेंद्र जीते हैं नरेंद्र जी की और गहलोत देख लो गहलोत नहीं गहलोत देख लो बढ़िया है बढ़िया योजना दी है साथ ही तो बनाई जी करनी मेरे बढ़ जाओ कौन करोगे बीजेपी कांग्रेस दोनों से एक है मैं देखो दोनों बराबर की देखना चाहो ना बीजेपी ने कहे घर पर नमस्कार मैं ललित सैनी आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी हम पहुंचे हैं मंडावा के अंदर और मंडावा के अंदर हम जानेंगे कि जनता की क्या राय है इस बार मंडावा का विधायक कौन बनेगा। साथ में इनसे ये भी जानेंगे कि सरकार के तौर पे वो बीजेपी की सरकार देखना चाहती हैं या फिर कांग्रेस की। जनता से इसके बारे में रुझान हम लेंगे क्या कुछ कहना है जनता का उसके बारे में जानेंगे। सरकार दे रही है बढ़िया सुविधा दे रही है कांग्रेस बीजेपी की दे रही है तो मतलब जो सरकार है ना राजस्थान के अंदर तो है ना कांग्रेस की सरकार है तो ज्यादा माल तो कांग्रेस की सरकार ही देगी भाई देगी तो परिवर्तन कौन देखना चाहोगे। परिवर्तन दे रही है और क्या चाहो दे तो परिवर्तन क्या करेगी भाई जी। और नमस्कार नमस्कार रुझान है मंडावा का मंडावा में टक्कर की है बराबर की टक्कर है दोनों पार्टी बराबर की टक्कर है के तो अब भी रुझाना में तो यहाँ आ रहे कि रीटा जी जीत रही है कोई बोल रहे है नरेंद्र जी 3 तारीख है काल आ जा रुझान सगड़ा सामने सरकार को कहटंग है सरकार भी अबार तक तो देखो कोई कंफर्म नहीं है लेकिन एग्जिट बहुमत में तो बीजेपी ने दे रहा है और बिन कांग्रेस ने बराबर में दे रहा है। एक ही की सरकार चाहो देश हित की चाहो देश हित की तो चाहो लेकिन थारी देश हित कौन करोगे सारे हिसाब से देश हित तो पापा जी करनी मेरे बढ़ जाओ कौन करोगे बीजेपी कांग्रेस दोनों से एक ही है ना मैं देखो दोनों बराबर की है। नमस्कार कौन सो गाँव आप गाँव तो मंडाओ है मंडाओ ही है तो बार थारक ने चाय की थी सौंप कर रखी हो तो 1,000 आदमी आवर 1,000 बात की राय लेकर आवे तो थारी के राय है इस बार मंडाओ के अंदर कौन जीत दोगे मुंडा मेरी क्या राय बताऊं पब्लिक चाहे सिबा हो सी पब्लिक ही बताओ दे दो पब्लिक के मेरे कन चाहिए 2-4 आदमी आ जाओ मैं मारा गुटका आ जाओ मैं तो जिताद्या चाहिए जिन नहीं बात तो ठीक है दे तो थारी इच्छा है बात तो भाई थे जिताओगा भी नहीं बाकी जनता को कह रू जाना जो थारकन लोग आओगे मारकन तो है बैठे ना पूछो सब ने अलग अलग जद भी पड़ा तो थार राय बता दो चाय में लगे रू थे जिताना चाहो मैं के अब मैं क्या बताऊं तो किन पब्लिक चाहे बचाए तो अपना एक वोट से थोड़ी है सारे हिसाब से के मंडावा पूछ रहे हो मंडावा के दाओ दे मंडावा कौन जीत रहे तारे हिसाब से मारे हिसाब से तो रीटा जीत रही है रीटा जी कितना वोट आऊं अब भाई 1 से जीतते या 5,000 से वो को नहीं। अच्छा अच्छा तो के रीजन है रीटा जी जीतना के पीछे था के रीजन जान के वोट पब्लिक दिया जना जीतेगी भाव कई हिसाब से देख रहे हैं मैं तो पैसा कमाना में चक्कर में रहे वो लोग पैसा कमा मैं तो मजा लिया रीटा जीतो तेरे नरेंद्र जीतो फर्क को नहीं पड़ा मैं तो अब रीटा का 25 पैसा कर 25 पैसा 50 पैसा मेरे तो आता नहीं समझ में को नहीं आया क्यों सोचो देख रहे हो सोचा करूँ को नहीं पैसा के हिसाब से मैं तो स्पष्ट आ कह नहीं वोट कोई ने भी दो लेकिन जीता रहा इधर रीटा ने अब वो जीत गया तो भी को चमत्कार है राजकुमार की है नरेंद्र जी जीत का तो चमत्कार ही है चमत्कार ही सोचा ही भाव में पिछले बार भी चमत्कार ही और सरकार को बीजेपी को नहीं कांग्रेस की सरकार बीजेपी की मनना की है पूर्ण बहुमत से पूर्ण बहुमत ही लाग रही है। अच्छा कुछ काम को में की वजह से लाग रही है कि मतलब यह नाकाम रही कांग्रेस सरकार भी वजह से जो काम तो मारे रीटा जी बढ़िया क्रिया है इस चीज ने इनकार नहीं करा लेकिन सरकार के तौर पर देखा अगर देश और राज्य के हिसाब से देखा विकास में और में तो बीजेपी की सरकार बढ़िया वज है मोदी जी अभी हिसाब से कोई बालकनाथ सियार का आज योगी नाथ आज ना सुधर जिया राम जी तो बालकनाथ जी आज के कुछ करेगा थारे साहब योगी करे देखिए भोकर देवगो
और के है मैं अकेला है कुछ दुमोम आए ऐसा कोई लेना देना को नहीं जब कुछ न कुछ करके जाओ तो बैंक आदमी नहीं लेवे जो कोई सुधर गया हां आ तो इच्छा है चलो राम 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 थारे थे थारे हिसाब से कौन जीत रिया मंडा में हमारे हिसाब से नरेंद्र जीते हैं नरेंद्र जी और जो ये रीजन है कि नरेंद्र जी मतलब जीतना पीछे के रीजन है रीजन तो यहाँ के मोदी के बेस से जीत रहे नरेंद्र मोदी के बेस पे सरकार को कह दंगे बीजेपी की बनाई कांग्रेस की बीजेपी की बनाई पुरान बहुमत से तो बीजेपी बार कुछ नयो करेगी कि या कांग्रेस कांग्रेस सारी सर योजना है बढ़िया कौन लगी के था ना योजना तो बढ़िया है लेकिन राजस्थान का रिवाज है पांच साल बीजेपी पांच साल कांग्रेस तो दास राजी तो बोल दे कि बार पुरान बहुमत से जीत गावे तो ना रिवाज फेर को नहीं हो सके राजस्थान को है ना कायम है अच्छा अच्छा रिवाज नमस्कार साहब नमस्कार थाना के ढंग लगे मंडावा को मंडावा रीटा जी से रीटा जी कितना वोटा लगे हैं कम से कम 10,000 वोटा 10,000 वोटा के कारण है कि रीटा जी जितना के पीछे विकास करवाए हैं भाई जी बोले हैं अच्छा विकास कार्य करवाए हैं तो बढ़िया तो नरेंद्र जी सांसद आपा कुछ कौन करवाएंगे फिर तो पांच साल संभाले को कोई ना दिल्ली बैठे रही है तो अच्छा बात बोल रहे हैं मैं तो ऑफिस कर रहा हूं झुंझुनू के अंदर तो झुंझुनू में कर रहा है क्या नहीं झुंझुनू कर रहे हैं तो मंडा भाई मंडा में तो है कौन साल की वे अच्छा तो आपने जो सरकार के बारे में क्या कहना है कि सरकार देखना चाहो थे बीजेपी कांग्रेस की ना मैं तो देखो कांग्रेस की गहलोत ने देखना चाहो आप गहलोत नहीं गहलोत ने देखना चाहो बढ़िया है बढ़िया योजना दी है साथ ही बढ़िया से बढ़िया काम है कराओ आओगे पक्का 100% अच्छा अच्छा रुझान तो बीजेपी सरकार का आ रहा है फिलहाल रुझान के वोटर साइलेंट हो रहे हैं तब दे हम सरकार आओगी सरकार आओगी तो सरकार का गहलोत साहब ने क्यों देखना चाहो पायलट साहब भी कई दिन से करे मने ही बनाओ मौको मने भी दो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पायलट साहब गहलोत साहब भी बनाएंगे पक्का 100% और थे गहलोत साहब ने देखना चाहो पक्का 100% गिनती पिनती को नहीं है और बढ़िया योजना रख रही है बढ़िया काम कर रही है तो युवा नेता है पायलट साहब नहीं युवा नेता बने मौको मिलो ऐसी बात नहीं है वो मिल लो मेको पांच सात साल पक्को 100% मिलो मौको मिलो मान भी ऐसी बात नहीं है लेकिन फिलहाल तो गेलो साहब भी बड़ा लगे मुख्य कोई काम है की तो वोटा हो के ढंग है बार भाई खेत में रहा मकान करावा जो तीन होगा आया गे आया बताओ तो सरकार की देखना चाहो थे सरकार में तो मोदी जी देखना चाहो मोदी जी की गे बस अच्छा मतलब बीजेपी का भक्त थे तो अरे वोट वाट बीजेपी ने दे गया किन दे गया वोट तो बीजेपी ने दो मोदी जी किए जाओ सत्ता ही भी की है बीजेपी की सरकार का बीजेपी की सरकार क्यों बनाना चाहो थे सत्ता भी की है सत्ता भी की है तो काम कुम भी देख किए सरकार बनवाना चाहोगे के आया ही के भाई बीजेपी क्या नहीं चाहिए मन तो 70 वर्ष होगा देता देखो वही उछल बुछल चल एक बोरी गिर है यहाँ की यहाँ की तो भाई आ रही है जगह आ रही है तो बताओ को चुनाव को थान के लाग रहे है कौन सो जीतता को मान तो सही जीतना चाहिए बापड़ा रीटा जीत रही है बता रहे हमें तो कितना का वोट लमसम लमसम है 15-20 हजार से और सरकार है को के ढंग है सरकार बीजेपी बन रही है बीजेपी बन रही है तो भाई साहब नमस्कार नमस्ते सर कौन सा गाँव मंडावा ही है के? जी प्रॉपर मंडावा तो आपकी बार किन जिता रहे हो रिटर्न है रिटर्न होंगे बिल्कुल साहब के कारण है रिटर्न रिटर्न बहुत काम करा है विकास करा है छोटा बड़े किसे किसी उन्हें साहब रिटर्न अच्छा रिटर्न की 100 लेट और कितना वोटा से लमसम थाना लागे 16-17 हजार वोटा से निकलेगी लेकिन देख रहे हैं वोट रिटर्न देख रहे हैं साहब बिल्कुल सर जीत में ही देख रहे जीत में देख रहे हैं साहब और सरकार के बारे में क्या कहना है कांग्रेस की बनेगी कांग्रेस की तो रुझान तो यार है कि बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं नहीं कांग्रेस के हिसाब सब अफुआ है अच्छा अफुआ है सब अफुआ है कितना पुरान बहुमत से बनेगी क्या पुरान बहुमत से बनेगी नमस्कार राव जी नमस्कार कौन सा गाँव गाँव तो मेरे जयपुर का साहब जयपुर का है तो ये बार के रुझान लाग रहा था ना सरकार बीजेपी की बनेगी कांग्रेस की अब देखो साहब अब के बताओ तो थारी राय दो थारे हिसाब से है गोन्या बाकी तो जो बननी है वह जनता बना रही है ये थारी राय दो या तो अरे साहब से कौन सी बन रही है रुझान क्या सुन रहे होते रुझान तो देखो अफवाह तो देखो बीजेपी की हो रही है बीजेपी की आ रही है माई कांग्रेस को भी करें रोलो कांग्रेस को भी करें तो दोनों का नहीं है जठिन बैठे हैं देखो काल ऊंट कठिन कर बैठे काल कठिन के हो जा है गोना तो दे कठिन तरका गया है वोट मैं तो साहब बीजेपी ने बीजेपी ने तो बीजेपी की सरकार चाहो हाँ नहीं चाहा को नहीं मान लो देखो आत्मा बैठे वोट आए आगे हाँ देखो और आपने थार विधायक देखो के ढंग है बीजेपी को बने चाहिए कांग्रेस को अब देखो क्यों हुआ देखो टक्कर है टक्कर है जी बराबर की बराबर की अब की बार टक्कर बहुत तेज है
तो थे यहाँ विकास कार्य देख के वोट वाट दो या फिर वही बीजेपी का ही भक्त हो? ना ना अहियाँ को नहीं भगत को नहीं विकास कार्य विकास कार्य जो अपनों को कार्य कर भी नहीं दिया जाओ। अच्छा अच्छा अठा गई हो गए अठा गई हाँ तो एक बार सोप था क्या मारी तो एक बार चुनाव को क्या रुझान लाग रहे हैं मंडावा विधानसभा चुनाव मंडावा विधानसभा में रीटा चौधरी जीत जैसे आगे कितना वोट आऊँ 10-15,000 लेट से जिता रहे हो ये कुछ कारण था लाग रहे हैं अगर रीटा चौधरी जीतेगी तो मंडावा में विकास कराए अगले विकास कार्य थान के दिखे सब कुछ पंचायत समिति बना दी हेडक्वार्टर सब कुछ जीते हुए स्टेडियम बना दियो हॉस्पिटल का मायने कैसी चीजा की व्यवस्था करवा दी और भी मंडावा का मायने रोड बनवाई है सीवरेज की लाइन की बनवाई है सब चीज़ा बनवाई है कमी भी रहेगी को नहीं रही कमी भी है अगले साल चुनाव में कर देगी पूरी हाँ तो सरकार की बनती है कांग्रेस की बनेगी कांग्रेस की बिल्कुल तो रुझान तो यहाँ रहेगी बीजेपी की बन रही है रुझान का मायने पिछली बार नहीं रुझान दो बार बैठक भी आई 110 सीट बताई 135 सीट आई। अच्छा अच्छा दूसरा रुझान तो बार जो बार अपने चुनाव हुए हो कड़े में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है बड़े हाँ तो बैठे भी 110 सीट बताई रुझान में 135 सीट आई है बड़े। अच्छा अच्छा तो रुझाना में क्या है रुझान तो चेंज हो जाए सही है पेंटिंग मायने पेंट है तो सर मुख्यमंत्री की को देखना चाहो बीजेपी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बना को वो साफ कह रहे हो मैंने कुर्सी कौन छोड़े तो कौन छोड़े मैंने और पायलट साहब को क्या प्लान है युवा नेता पायलट साहब की है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहोग अशोक गहलोत। अच्छा यहाँ बिल्कुल और भी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत अशोक क्षेत्र के नीचे। अच्छा तो थारी पंचायत कौन सी आवे हमारी पंचायत तेतरा तेतरा के तेतरा में गठिना के तेतरा में हजार वोट जीत की जाके रीता रीता चौधरी हाँ जो तेतरा में काम कोम भी करवाया है खूब काम करवाया है घणो काम करवाया जैसे कोई गिनती नहीं है काम की। अच्छा और इस बार चुनाव को मैंने खेला गया कौन जीत 50,000 जीत की जाके रीता चौधरी मंडा हूँ। अच्छा दिन प्रतिदिन मतलब 10 से स्टार्ट है 50 तक पहुँच गई 50। अच्छा तो वो मार्केट कटा कांग्रेस आ गई तो बोरी है कांग्रेस ही बैठा भाई जा पूरा मंडाओ कांग्रेस को है। अच्छा पूरा मंडाओ कांग्रेस झूलने की 7वीं सीट कांग्रेस जीतेगी। अच्छा हाँ रुझान तो मन थोड़ा गड़बड़ लाग रहे गड़बड़ कौन लागे गलत सीएम बना को गड़बड़ तो तड़के थार सामने आ जाको। अच्छा और सरकार को क्या ढंग लागे सरकार कांग्रेस की बनेगी बहुमत से 135-140 सीट आऊंगी 135-140 हाँ चलो फिर तो देखा मतलब थे तो पक्का कांग्रेस ही हो जो एकदम पक्का आज नहीं सरकार बनाएगी नहीं सरकार नमस्कार भाई नमस्कार कौन सा गांव है मंडावी मंडावी बार के रुझान लाग रहा था ना चुनाव का मंडावी में रीटा चौधरी जीती है मंडावी विधानसभा लाग रहे 50,000 की लीड है आ थारी राय है जनता की राय देते हो सुने करो जनता की राय है जनता की राय है तारे हिसाब से और सरकार वगैरह की क्या बनना पड़ेगा सरकार कांग्रेस की हरी कांग्रेस की और पूर्ण बहुमत से बनेगी क्या पूर्ण बहुमत से बनेगी मुख्यमंत्री किन देखना चाहो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पायलट जिन को देखना चाहोगे तो पार्टी का आगे का और तो हाईकमान का जो फैसला होगा वो थारी बताओ हाईकमान तो कर दोगे तो साहब अशोक गहलोत ही बनना चाहिए अशोक गहलोत के रीजन है अशोक गहलोत बढ़िया गया चिरंजीवी योजना है और गरीब आदमी ने करते सहायता कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया नमस्कार भाई कौन सा गाँव है मासैया ही है गाँव वोट वाट किन गिर गया है किन गिर गया कांग्रेस ने गिर गया उसकी ने कई बार कौन जीत सी मंडाओ से कांग्रेस ही जीतेगी मारे तो जाए आगे हां कांग्रेस जीत कितना वोट आऊं गणाई मन केबरा इतनी मन गिनती को नहीं सरकार की जाओ थे हैं सरकार की जाओ मैं तो इनकी जावा कांग्रेस की मुख्यमंत्री गहलोत साहब बाप रे यही कर क्या मारे बीजेपी को देखनो चाहो ना ना बीजेपी ने कहे घेर पर से कहया तो बीजेपी वाले हल बन करेंगे कौन नहीं हल करे भाई कुछ ना नाल करे कुछ कौन करे आज तक कौन करे आगे ना ना क्या करया तो नरेंद्र कर दिया सब कुछ सब कुछ खाना पीना महंगा कर दिया। अच्छा अच्छा जब भी तो के कर क्या मंदाई कर क्या महंगाई कर क्या सब कुछ हम तो क्या ये नाम आपनो मेरा नाम तो प्रहलाद मील है कौन सा गांव से रिंगस है खंडेला पंचायत से अच्छा ठगा को नहीं जाते हां तो ये बार मुख्यमंत्री हो के माहौल है कौन सी सरकार की के सरकार की बनेगी सारे साहब हमारे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कितनी सीट आवेगी लगभग 105 और 10 के कारण है कि इतनी बीजेपी की सरकार बनेगी ये मोदी जी ने सेंटर से बहुत अच्छा काम किया अच्छा। है कांग्रेस आ रहा बोले तुम मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा है काम कांग्रेस ने भी किया होगा लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा अच्छा
तो खाली शायद विधायक है कांग्रेस को आशिक बीजेपी को। हमारे तो सुभाष मील खंडेला जीतेगा 40,000 वोटों से। 40,000 वोटों से पक्की बात है? पक्की बात है। क्या रीजन है इतनी बड़ी लीड के पीछे? वो जनता की सेवा की, उसने कोरोना काल में बहुत गरीब लोगों को घर घर जाके राशन वितरण किया और लंपी के टाइम में गौ माता में जो लंपी आई थी उसका भी खूब उसने सेवा की थी। तो थे गिन दिया वोट? हम सुभाष मील ने दिए। थर्ड जो वोट जीत में ही जावा है कदम हार में भी जावा है? पहले वो तो कभी अच्छे जो हार में भी चले जाता है, लेकिन अब की बार से जो 40,000 की लीड लेगा सुभाष मील। तो भाई साहब ये समोसा बना रहे हैं गर्मा गर्म। नमस्कार साहब। हेलो, नमस्कार। क्या नाम है? चोतमल शर्मा। चोतमल जी, समोसा तो बड़ी बड़ा जोर का मना लाग रहे हो गर्मा गर्म। बढ़िया है, एकदम ताजा खुशबू दूर दूर तक बढ़िया एकदम। तो कितना साल से लगा रहे हो रेडी? मैं 82 से। तो एक बात बताओ कि आपने इस बार मंडावा के अंदर और चुनाव को के माहौल है, थनके लगे कौन जीता को? मैं कहता हूं जी ऐसा कांग्रेस से कांग्रेस ही आवे। अच्छा, नहीं थे सारी राय दो। मारा कांग्रेस जीतेगी। अरे साहब कांग्रेस ही जीतेगी। कितना वोट से लग? 5,000 बताओ। 5,000 बताओ। के कारण है रीटा जी जीतना के पीछे? रीटा बहुत जो काम करे, मंडावा कॉलेज खोला दी, रोड बनवा दी, बढ़िया जिया हर गली का मैं रोड बना दी। मंडावा में दो कॉलेज बना दी, तहसील बना दी, उप तहसील बना दी। मंडावा में उम्मीद ही को नहीं कटे। अच्छा अच्छा, ये काम करते जिंदगी में कटे हुए देखे भी को नहीं। बड़ा सौगा वोट दे मैदान बना दियो देख लियो। अरे वो स्टेडियम बना रहे, बहुत जोर को बना रही है, और अलका जोरो ने बहुत जोर को जोरो बना दी। बहुत बढ़िया पसंद, बड़ी अच्छी चीज है। वोट किन दियो? रिटर्न दियो के नरेंद्र? रिटर्न है, रिटर्न। तो ये बार मतलब धारे हिसाब से रीटा जी जी? हाँ, 5,000 बताऊँ जीते ही। जाओ मैडम, ये वोट वाट बढ़े मैडम? हाँ पड़े। आ जाओ, तू किन देख रहा है वोट? रिटर्न है। अच्छा रिटर्न है, के ढंग लागे रीटा जी जैसी के। तो मंडावा के जो लोगों का जो रुझान है वो यही है कि इस बार रीटा जी चौधरी है वो जीतने वाली है। कितने वोटों से सबकी अलग अलग राय है। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र जी भी जीत सकते हैं। तो अभी जो कल का जो रुझान रहेगा, कल काउंटिंग के बाद में ही पता चल पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बाकी कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपके हिसाब से मंडावा का विधायक कौन बनेगा।